परिक्रमा प्रकल्प लोकार्पण सप्तम दिन में पुरी जाई महाप्रभु दर्शन करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक महाप्रभु निकट में ओडिशावासी मंगल कामना करिसेंती मुख्यमंत्री यहस पुणी थे परिक्रमा प्रकल्प पुनः प्रदक्षिण करिसेंती 5T तथा नवीन ओडिशार अध्यक्ष कार्तिक पांड्यान मुख्यमंत्री सहित पुरी गस्त करते भक्त मिलुवा नूतन सुविधा सुजोग संपर्क अनुभूति नेबापाई मुख्यमंत्री पुरी जाई महाप्रभु दर्शन करते प्रकल्प भव्य एवं आध्यात्मिक पूर्ण परिवेश को देखी मुख्यमंत्री आनंद एवं संतोष प्रकाश करते गत 17 तारीख दिन मुख्यमंत्री यार लोकार्पण करते श्रीमंदिर सुरक्षा महाप्रभु जानीयात्रा और भक्त मान सुविधा दृष्टि यह अति जरूरी थिला। मंदिर चतुर्पार्श्वे 75 मीटर प्रशस्त यह परिक्रमा प्रकल्प अत्यंत भव्य सौंदर्यमय होगा सहित पीढ़ी पर पीढ़ी भक्त मान एक आध्यात्मिक परिवेश प्रदान कर वास्तव में आम किपर भक्त मैंने महाप्रभु दर्शन करुचु एवं कौन कौन सुविधा पाचु सुविधा केमी कालिया दर्शन ताको अनुध्यान कले मान्यवर मुख्यमंत्री निजे देखिले सीधा सिंहद्वार दे कि सतपहाच दे जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन कले सिंहद्वार देते बाहर से लगला जो भक्त मैंने प्रकृत आनंद आसुंच कालिया सांत दर्शन करसह अति आनंदर कथा जे निजे से श्रीमंदिर परिक्रमा मार्ग को निजे चतुर्पाश्व बुलिले देखिले निजे ठिया हाले आम तो पाखे थिलु अति आनंद लगुता है जी सेठार परिवेश आउ भक्त मानकर कोलाहल शुणिला जे प्रभु प्रकृत से माने भक्त मैंने हसुचंती आउ बड़दाण्ड हसुची श्रीदाण्ड हसुची श्रीक्षेत्र भी हसुची से ही से अनुभव कले बहुत उन्नति घटी जाइए पुरीर आम तो 2 वर्ष तले आसीलु आज आसलु पूरा नूतन भाव में पुरी को देखिलु बहुत सुविधा हो जाए जेहेतु आम बड़दाण्ड में एत बाटर चलिक जाऊँ जेहेतु ए स्ट्रीट टी आमपाई बहुत सुविधा होगी लोक मैंने जावासिया करेंगे बहुत सुविधा हो जाए मुख्यमंत्री भी आज आसी मंदिर परिक्रमा बेड़ा करुले आम भी भेटीचु भल लगला आज पुरीटा दर्शन करने को बहुत दिन पर बहुत बढ़िया दर्शन है भल बहुत उन्नति हो जाए 2 वर्ष ते देखु जहाँ नुआ बहुत उन्नतिकरण हो बहुत भल भी लगुच सुविधा भी होती।